प्रिय उपासक उपासिका, गूगल मीट का एक कार्यक्रम नियमित रूप से हमें धर्म के प्रति ना केवल जागरूक कर रहा है, बल्कि धर्म को समझने और धर्म की परंपराओं को स्थापित करने में एक महती भूमिका भी निभा रहा है। जब हम धम्म ग्रंथ की बात करते हैं, धम्म ग्रंथ के प्रभाव की बात करते हैं, धम्म ग्रंथ से हमारे जीवन कल्याण का क्या संबंध है, इस पर चर्चा करते हैं, तो हमें अनेकों बार बहुत सारी ऐसी बातें सामने दिखती हैं जिनका सीधा हमारे जीवन के कल्याण से संबंध है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि बुद्ध किस प्रकार से अपने शिष्यों को तराशते थे, कैसे उनका जीवन कल्याण करते थे, कैसे उनको जीवन कल्याण के पथ पर चलने की प्रेरणा देते थे, और जो भी महाकाणिक बुद्ध के हाथों से तराशा गया उसने भी आगे चल करके अनंत लोगों के जीवन को तराशने का काम किया। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, भिक्षुओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई मानव कल्याण के लिए, इस कठाने हंसती है, वे निरंतर मानव कल्याण के लिए प्रयास करते रहे। और आज मैं महाकाणिक बुद्ध के प्रयासों के 2500 वर्ष के बाद बात कर रहा हूं, हम तक जो धम्म पहुंचा है, हम तक जो धम्म के सिद्धांत चले आए हैं, इन 2500 वर्षों में लगभग 70 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। 30 वर्ष में एक नई पीढ़ी आ जाती है, तो लगभग 80 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। हो सकता है कि हम 80वीं पीढ़ी के व्यक्ति हों, हो सकता है कि 81वीं 82वीं पीढ़ी के हों। हम अपने जीवन काल में 3 पीढ़ियों का हिसाब भी नहीं रख सकते। केवल 2 पीढ़ियां ही हमारी समझ में आती हैं, एक अपने पिता के जीवन का काल और एक अपने जीवन का काल। हम 3 पीढ़ियों का हिसाब भी नहीं रख सकते। तो बुद्ध की देशनाएं जो त्रिपिटक जैसे विशाल साहित्य में संजो करके रखी गई, जब लेखन नहीं था तो कंठस्थ रखा गया और लिखने की शुरुआत हो गई, तो पत्तों पर लिख लिख करके टोकरियां भर करके रखी गई, उसके बाद आविष्कार होते चले गए, पत्तों से निकल करके पत्थरों पर अंकित हो गए, और पत्थरों से निकल करके आज पुस्तक के रूप में, डिजिटल मीडिया के रूप में हमारे पास बुद्ध के सिद्धांत और शिक्षाएं हमारे जीवन कल्याण के काम आ रही हैं। बाबा साहब ने जो धम्म ग्रंथ लिखा, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर प्रयास थे बाबा साहब के। आज हम उन प्रयासों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो सारी बातें हमारे जीवन कल्याण से जुड़ी हुई हैं। इसी विषय को, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैं महाकाणिक बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण उस काम पर चर्चा कर रहा हूं जो पूरे विश्व में आज ख्याति प्राप्त है, जिसका नाम है धम्म चक्र पवर्तन है। यानी कि सिद्ध के बुद्ध बनने के बाद जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का जो मार्ग उन्हें उपलब्ध हुआ, दुखों के कारण और निवारण को उन्होंने समझा, उस ज्ञान का पहली बार
समाज के कल्याण के लिए बुद्ध ने उपयोग किया। पांच परिव्राजकों को सबसे पहला उपदेश दिया, उस घटना का नाम है धम्म चक्र पवत्तनाय, यानी कि धम्म का जो चक्र है उसका गतिमान होना। बुद्ध ने धम्म के चक्र को गतिमान किया पांच परिव्राजकों को पहला उपदेश दे करके, और उसके बाद ये परंपरा आगे बढ़ी। इसी दिन को वर्षवास के रूप में भिक्खु ने स्वीकार किया, क्योंकि अक्सर आषाढ़ माह की पूर्णिमा जुलाई के महीने में आती है और ये बरसात का समय होता है। बरसात के समय में रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे, पानी ज्यादा भरता था, भिक्खुओं के रहने के लिए हर जगह व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो नगरवासियों के आमंत्रण पर भिक्खु आते थे। और तो ये जो वर्षावास की शुरुआत हुई, पिछले 2500 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। हमने इसको जो अनुभव किया है कि हम धम्म चक्र पवत्तनाय को भूल गए और वर्षावास को जिंदा रखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्षावास महत्वपूर्ण है। भिक्खुओं का एक जगह रुकना, वरिष्ठ भिक्खुओं के सानिध्य में भिक्खुओं का रहना, अभ्यास करना, ध्यान साधना का अभ्यास करना, धम्म को पढ़ना समझना और जनता के कल्याण के लिए उपदेश देना, तो ये जो प्रयास था निश्चित रूप से धम्म के संवर्धन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन इस सब में धम्म चक्र पवत्तनाय गौण हो गया, धम्म चक्र पवत्तनाय की भूमिका गौण हो गई। मैं भिक्खु के रूप में इसको समझ पा रहा हूं, कहीं पर भी धम्म चक्र पवत्तनाय के नाम से औपचारिक कार्यक्रम भी नहीं हो पा रहे। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्षावास की परंपरा चल रही है, अच्छी बात है, उपासकों को भिक्खुओं के लिए वर्षावास की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि भिक्खु का नगर में ठहरना, भिक्खुओं का नगर में आना, वर्षावास करना, धम्म देशनाएं देना, निश्चित रूप से ये सबके कल्याण के लिए होता है। और 3 महीने 4 महीने तक भिक्खु एक जगह जब रुकते हैं ठहरते हैं तो वहां एक धम्म का आभा मंडल तैयार हो जाता है, धम्म का प्रभाव दिखने लगता है। जहां भी भिक्खु वर्षावास करते हैं वहां धम्म की शुरुआत हो जाती है, लोग धम्म को समझने लगते हैं, और 3 महीने का समय बहुत होता है कुछ लोगों को रूपांतरित करने के लिए। इसके साथ अगर धम्म चक्र पवत्तनाय का सामाजिकरण हो जाता तो हम अपने एक गौरवशाली परंपरा को जिंदा रख पाते। धम्म भूमि के प्रयासों से पिछले 3 वर्षों से इस विषय पर हमने काम करना शुरू किया। आज मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं और इस विषय में आप सबकी भागीदारी भी चाहता हूं। धम्म चक्र पवत्तनाय आषाढ़ माह की पूर्णिमा को होता है, जब बुद्ध पहली बार सारनाथ के मृगदाय वन में आए और 5 परिव्राजकों को पहली बार उपदेश दिया। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना यह है कि बुद्ध बनने के बाद 1 माह तक वो संशय में रहे कि मैं कैसे शुरुआत करूं, जो मैंने ज्ञान खोजा है, दुख मुक्ति का जो मार्ग खोजा है, इसके बारे में जन साधारण को कैसे समझाऊं, क्योंकि ये तो हजारों वर्षों से अज्ञानता में जी रहे हैं।
अज्ञानता में जीने के कारण ये मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। आम जन साधारण के लिए तो बड़ी मुश्किल बात है, विद्वानों के लिए भी ये बड़ी अति सूक्ष्म है। ऐसे में अगर मैं सीधे लोगों के पास जाता हूं, उनको समझाता हूं, तो हो सकता है मेरी बात को समझ ना पाए, इस विचार की खिल्ली उड़ाएं। अगर ऐसा हुआ तब उन सबके लिए भी परेशानी की बात होगी और मेरे लिए भी कष्टकारी होगा। इस उदेड़ में काफी दिन बीत गए तो ब्रह्म सेंपति नाम का एक ऋषि, एक विद्वान व्यक्ति जो इस सारी घटना से वाकिफ था, उनके मन में ख्याल आया, अगर बुद्ध ने जनता को उपदेश नहीं दिया तो प्रयास निष्फल हो जाएगा। उनका बुद्ध बनना लोगों के काम नहीं आएगा। अगर महाकारुणिक बुद्ध लोगों को उपदेश देते हैं तो उनके जीवन के कष्ट दूर होंगे, उनके लिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त होंगे और इस प्रकार से उन सब का भला होगा। तो ब्रह्म संपत्ति बुद्ध के पास आए, उनसे निवेदन किया, अनुरोध किया, वार्तालाप की और तथागत ने इसको स्वीकार किया कि अगर मैं लोगों को उपदेश नहीं दे पाया हूं, इसके पीछे कोई और बात नहीं, बस एक ही मन में संशय है कि मेरी इस बात को लोग कैसे स्वीकार कर पाएंगे। अज्ञानता में जीने वाले लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो बुद्ध ने स्वीकार किया कि मैं लोगों को उपदेशित करूंगा, उन्हें उपदेश दूंगा। इस बात को सुनकर के ब्रह्म संपत्ति बहुत ही प्रसन्नचित हुए, बड़े खुश हुए, बुद्ध की प्रदक्षिणा की अनुमति ली और प्रसन्नचित होकर के वहां से निकले और रास्ते में जाते जाते घोषणा करते चले गए। मैं उसी घोषणा को आपको बता रहा हूं। क्या हो गया ये कि ब्रह्म संपत्ति जब वहां से निकले तो बहुत ही प्रसन्नचित भाव में थे और घोषणा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे सम्यक संबुद्ध ने ये सभी बुराइयों और कष्टों का मूल खोज लिया है और उनका कारण भी जान लिया है, उन्हें इससे मुक्त होने का मार्ग भी ज्ञात है। आगे कहते हैं कि बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, वे उन्हें शांति प्रदान करेंगे जो युद्ध से त्रस्त हैं, वे उन्हें साहस देंगे जिनका दिल टूट चुका है, जो पद दलित हैं, उत्पीड़ित हैं, वे उनमें विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन में कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिनमें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के समाचार पर आनंद मनाएं। जो आहत हैं, वे जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वे पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम पालें, जो प्यासे हैं वो प्यास बुझा लें, जो अंधकार में वो प्रकाश पालें, जो उदास हैं अब वे खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, जो उन ऐसे लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है, जिनका अपना कोई नहीं है उनका उत्थान करने की उत्कृष्ट इच्छा पैदा करती है, जो पतित बना दिए हैं, जो उपेक्षित और पद दलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है, उनका सदम सिद्धांत न्याय संगत है, उनका उद्देश्य पृथ्वी पर सदम की का साम्राज्य स्थापित करना है, उनका सदम सिद्धांत एक सत्य है, सब सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य, धन्य है वे सम्यक संबुद्ध,
क्योंकि उनका पर्थ तर्क का पथ है, अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है सम्यक संबुद्ध जो मध्य मार्ग का धर्मोपदेश करते हैं, धन्य है सम्यक संबुद्ध जो सधम का धर्मोपदेश करते हैं, धन्य है सम्यक संबुद्ध जो शांति निर्वाण का धर्मोपदेश देते हैं, धन्य है सम्यक संबुद्ध जो मैत्री करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं ताकि संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो सके। ये ब्रह्म संपत्ति की घोषणा है। प्रबुद्ध उपासक पाशिकाओ, इस घोषणा का प्रभाव ये हुआ, जहां जहां से ब्रह्म संपत्ति गुजरा उसने लोगों को प्रेरित किया। सभी लोगों के मन में एक इच्छा पैदा हुई, उत्कृष्ट इच्छा पैदा हुई, वे जानने को उत्सुक हो गए। और जब बुद्ध वहां से गुजरे, बुद्ध की देशनाओं को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। जिसने बुद्ध की देशना को सुना वो रूपांतरित होता चला गया, क्योंकि मन में एक भाव पैदा हो गया था, बुद्ध हैं हमारा कल्याण करेंगे, बुद्ध हैं हमें निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बुद्ध हैं हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बुद्ध से हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार की जब बातें लोगों के बीच में गई तो जनता ने बुद्ध को स्वीकार किया, उनकी देशनाओं को सुना, उनका कल्याण हो गया। तो धम्मचक्र प्रवर्तना एक अवसर है, इस अवसर में ब्रह्म संपत्ति का भी अपना एक योगदान है। हमने इस ब्रह्म संपत्ति के इस योगदान को बहुत गंभीरता से समझने की चेष्टा की, तो एक बात जो समझ में आने की है वो ये, हम सब लोगों को आज ब्रह्म संपत्ति की भूमिका में एक दायित्व निभाना चाहिए। इस बार आषाढ़ माह की पूर्णिमा 21 अक्टूबर को न 21 जुलाई को आने वाली है, और अब मात्र 2 सप्ताह का समय बचा है। ठीक 2 सप्ताह के बाद धम्मचक्र प्रवर्तना होगा, हमें अभी से उसकी तैयारियां शुरू करनी है। गूगल मीट से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाएं इस महान पर्व में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पहली बार हमने जब कार्यक्रम किया, कोरोना काल था, बहुत कम जगह पर हो पाया। फिर अगले वर्ष संख्या बढ़ी और पिछले वर्ष 100 से ज्यादा जगह पर धम्मचक्र प्रवर्तना मनाया गया। इस बार मैं समझता हूं हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है। देश के 22 राज्यों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और एक एक राज्य में कई कई जिलों के लोग हैं और एक एक जिले में कई कई तहसीलें हैं और एक एक तहसील में कई कई गांव हैं। अगर मैं इस ढंग से बात करूं तो कई हजार लोग सीधे रूप से धम्म भूमि के इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो जितने भी लोग आज गूगल मीट से जुड़े हैं, अब ये संख्या 277 है, कितने लोग होंगे जो कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे। इस प्रकार से अगर मैं सही ढंग से अनुमान लगाऊं तो 1000 से ज्यादा लोग हैं जो परोक्ष रूप में सीधे रूप में इस आंदोलन से जुड़े हैं। आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है, एक जिम्मेदारी आपके साथ साझा कर रहा है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा जो 21 जुलाई के दिन आने वाली है, उसे कम से कम 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन चुने और गांव चुने। अपने से दूसरे गांव में जाएं ब्रह्म संपत्ति की भूमिका निभाने के लिए। और आपको क्या करना है,
जिस प्रकार ब्रह्म सेनापति बुद्ध से मुलाकात करने के बाद, बुद्ध को प्रेरित करने में सफल होने के बाद, जब बुद्ध ने कहा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दूंगा, तो बहुत ही प्रसन्नचित होकर के वहां से विदा ली और मार्ग में घोषणा करते हुए गए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने गांव, अपने नगर से बाहर जाकर के दूसरे मोहल्ले में या दूसरे नगर में या दूसरे गांव में जाकर के लोगों को इकट्ठा करना है और उन्हें बताना है एक ब्रह्म संपत्ति की भूमिका में आप वहां गए हैं, आपको क्या बताना है। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आपकी पोशाक कैसी हो। आप श्वेत वस्त्र पहन के जाएंगे, चाहे आपने सफारी पहनी है, चाहे आपने पेंट कमीज पहना है, अगर महिला है तो चाहे आपने सूट पहना है, चाहे आपने साड़ी बांधी है। एक सफेद श्वेत वस्त्र को लेकर के, जैसे मैंने चीवर पहना है, इस प्रकार सफेद रंग का वस्त्र अपने कंधे पर होना चाहिए, एक कंधा आपका खुला रहना चाहिए। और इस पोशाक में जाकर के आप लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो बात मैंने आपको बताई है इसी रूप में लोगों को बताएंगे कि आने वाली 21 तारीख को धम्म चक्र प्रवर्तनाएं है। महाकारुणिक बुद्ध ने पहली बार बोध गया से चलकर के सारनाथ पहुंचे और वहां पहुंच करके मृगदाय वन में 5 परिव्राजकों को अपना शिष्य बनाया और उनको पहला उपदेश दिया। पूरे विश्व में ज्ञान बांटने का यह पहला कार्यक्रम था कि कोई शास्ता, कोई मार्गदर्शक जनता के कल्याण के लिए अपने ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का दिन चुना। 5 लोगों को पहली पात्रता के आधार पर चयन करके उन्हें उपदेशित किया। ज्ञान बांटने की दुनिया की एक बहुत बड़ी शुरुआत इस दिन हुई, इसे धम्म चक्र प्रवर्तनाएं कहा गया। इसके बाद क्या लाभ हुआ जो मैंने पढ़ करके सुनाया है, आप भी इसी प्रकार के पढ़ करके सुनाएंगे कि जो भूखे हैं वे भूख मिटा लें, जो प्यासे हैं वो पानी पी लें, जो थके हैं वो विश्राम पा लें। क्योंकि बुद्ध ने उपदेश देना स्वीकार किया है, बुद्ध का धर्म कल्याण का धर्म है, करुणा मैत्री का धर्म है। उन असहाय लोगों के लिए ये उत्कृष्ट इच्छा पैदा करता है, अपना बनाने की भावना पैदा करता है। ये सारी बातें जब लोगों के सामने करेंगे, उनका सदम सिद्धांत सत्य है, संपूर्ण सत्य, सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य। वे मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं, वे करुणा और मैत्री का उपदेश करते हैं, वे भ्रातृभाव की देशना देते हैं, वे समानता और स्वतंत्रता की देशना करते हैं। ये सारी बातें लोगों के कल्याण के लिए हैं। जब ब्रह्म संपत्ति की भूमिका में आप जाएंगे तो लोग सुनेंगे, सुनने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि आने वाली 21 जुलाई को आपको अपने नगर में, आपके गांव में, आपकी बस्ती में धम्म चक्र प्रवर्तनाएं बनाना है। ये कैसे मनाएंगे ये भी थोड़ा बता देता हूं। आपको बताना है कि 20 तारीख को ही आप 5 बच्चों का चुनाव करेंगे। वो 5 बच्चे 14-15 साल से ज्यादा ना हो। छोटे बच्चों का चुनाव हम इसलिए करने की कहते हैं कि छोटे बच्चों का मन निर्मल रहता है, उनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं होता, कोई द्वेष नहीं रहता, उनकी स्वाभाविक मुख मंडल से लोग प्रसन्नचित रहते हैं। अगर किसी बड़े व्यक्ति को हम रखेंगे तो हो सकता है उससे कोई नाराज हो सकता है उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसका व्यवहार कटुता का रहा हो, तो फिर वो धार्मिक विश्वास पैदा नहीं होता है। छोटे बच्चों में सभी लोग मुदिता का भाव देखते हैं, छोटे बच्चे बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। तो इस प्रकार हमें छोटे बच्चों का चुनाव करें। अगली सुबह में श्वेत वस्त्र पहन करके, श्वेत चंद्र अपने कंधे पे डाल करके सामुदायिक जगह में बैठेंगे। अगर बोधि वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम एक फ्लैक्स, पीपल के पेड़ का फ्लैक्स बनवा करके उस पर धम्म चक्र प्रवर्तनाएं लिख करके वहां टांग देंगे।
और बच्चे उसके आगे बैठेंगे। बैठने की अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, गद्देदार आसन हो, आगे भी बैठने के लिए अच्छा व्यवस्था की जाए ताकि लोग बैठ सके। वहां बुद्धं शरणं गच्छामि के लिए धुन बजती रहे। दिन में 10-11 बजे के आसपास बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, उन्हें भोजन दान किया जाए और वहां सुंदर सुंदर ध्वनि बजती रहे। शाम को 5 बजे जब गर्मी का समय कम हो जाए उस समय एक धम्म चक्र लेकर के, धम्म चक्र को हम पहले ही बना कर रख लेंगे। संपत्ति की घोषणा के बाद हम धम्म चक्र बनाना शुरू करें, चाहे फ्लेक्स का बनाए, चाहे थर्माकोल का बनाए या किसी भी रूप में आप बनाए, बड़ा सा धम्म चक्र बनाए। उस धम्म चक्र को वो 5 परिव्राजक अपने हाथों से पकड़ेंगे, 2 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ, एक बीच में, और चलते जाएंगे। उस धम्म चक्र के आगे आगे कुछ बच्चे, महिला पुरुष पंचशील का ध्वज लेके चलेंगे, कुछ उसके पीछे पीछे चलेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज गूंजती रहे। और बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। महाकारुणिक बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। इस प्रकार के सुंदर नारे हमें लगाने हैं और चारिका करते हुए घर घर से आगे से गुजरते हुए वापस वहीं आकर के बैठ जाना है। फिर जब सभी नगरवासी इकट्ठे हो जाएं, तो आप में से कोई भी व्यक्ति जो बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया, जो बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में, अगर आपके पास धम्म भूमि द्वारा प्रकाशित धम्म ग्रंथ है तो ये दूसरा भाग परिव्राजकों की धम्म दीक्षा सारनाथ आगमन इसमें है। इसमें दूसरा भाग बुद्ध का धम्मोपदेश, ये यूं का यूं आपको पढ़ करके सुनाना है। वहां पढ़कर सुनाने से पूर्व आपको पहले 2-4 पढ़ लेना है ताकि वहां सुनाने में कोई दिक्कत ना हो। सभी लोग ध्यान से सुने, फिर उसको व्यवस्था भी, उसको व्याख्या भी करना है। और उसके बाद सभ्य सत्ता करके कृष्ण पंसी से शुरू करेंगे, सभ्य सत्ता से खत्म करेंगे। जितने भी लोग वहां बैठे सबके लिए पायस का वितरण करना है। और जो 5 बच्चे परिव्राजक के रूप में वहां बैठे हैं उनके वही नाम देने हैं जो 5 परिव्राजकों के नाम थे। इस प्रकार से बच्चों को पता लगेगा कि वो परिव्राजक बने हैं। पहला धम्मोपदेश, धम्मचक्र पवत्नाय का अर्थ क्या उनकी समझ में आने लगेगा। और सभ्य सत्ता के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होगी, सबको पायस का वितरण होगा। और जो 5 बच्चे परिव्राजक बने थे उनको आपको उपहार भी देना है, चॉकलेट दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, पेन पेंसिल रबर कटर दे सकते हैं, नोटबुक दे सकते हैं, किसी भी प्रकार को उपहार जो के जीवन में काम आए। तो इस प्रकार से हम सभ्य सत्ता के साथ पायस का वितरण करके धम्म चक्र पवत्नाय को संपन्न करते हैं। इसी दिन भिक्षु वर्षावास भी करते हैं। आप चाहें तो अपने क्षेत्र में 10 दिन के लिए श्रामनेर पवज्जा ध्यान साधना शिविर भी लगा सकते हैं। तो ये परंपरा लगातार बनी रहेगी। तो आने वाले समय में भी बुद्ध के धम्म की जो गौरवशाली परंपरा है, धम्म चक्र पवत्नाय है, ये लोगों की समझ में आने लगेगा, लोगों को पता लगने लगेगा कि धम्म चक्र पवत्नाय क्या है। गांव गांव, गली गली, नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले ये आयोजन होने चाहिए। तो इस बार का जो 21 जुलाई का दिन है, धम्म चक्र पवत्नाय का दिन है, हमें बड़े पैमाने पर मनाना है। इसके लिए हम फिर एक बार ये बातें करेंगे, 1-2 दिन के बाद फिर संपत्ति की घोषणा पर हम चर्चा करेंगे और सारी बात आपको समझाएंगे। पिछले वर्ष के भी YouTube पर वीडियो पड़े होंगे धम्म चक्र पवत्नाय के बारे में कैसे मनाएं, और इस बार भी हम वीडियो बना करके YouTube पर डालेंगे। जो भी धम्मभूमि के प्रतिनिधि हैं वो सभी, और आज अभी 292 लोग जुड़े हुए हैं,
आप सभी लोग ब्रह्म संपत्ति की भूमिका में एक दिन रहेंगे और जहां भी आपको सुविधाजनक लगे उस गांव में जाकर के, अगर शहर में है तो नगर में मोहल्ले में जाकर के आप ये काम करेंगे। और इस प्रकार से हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में मनाएंगे। इसके साथ साथ एक काम आपको और करना है, जो धम्मभूमि का मोबाइल नंबर है या जैसे हमारे पास अभी एक नया ग्रुप बना है धम्म वर्कर के नाम से, आप उसमें डाल सकते हैं अपनी सूची। या जो जयपुर में कार्यक्रम हुआ था मैनिफेस्टो वाला, उस ग्रुप में डाल सकते हैं। या धम्मभूमि के नंबर पर सीधा अपना नाम डाल सकते हैं। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर और कहां से आप संबंध रखते हैं, जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये लिख करके बताएंगे कि आपके द्वारा किस गांव में धम्मचक्र प्रवर्तनाय के लिए ब्रह्म संपत्ति की घोषणा को पढ़ा जाएगा, आपकी भूमिका उसमें क्या रहेगी, कौन धम्मचक्र प्रवर्तनाय का उपदेश देगा। तो ये सारी व्यवस्था आप करेंगे और धम्मभूमि के बीआरसी के कार्यालय को इसकी आप सूचना भी देंगे। इस सूचना के पीछे हमारा मकसद ये है कि एक तो हमें हमारे पास डाटा इकट्ठा होगा और पता लगेगा कि इस बार कितने गांव में, कितने नगर में, कितने लोगों के द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तनाय मनाया गया, उसमें आम जनमानस की कैसी भागीदारी थी। क्योंकि हमारा भी प्रयास है आने वाले समय में जब बौद्ध समाज की स्थापना का कार्यक्रम होगा, जब हम बौद्ध लोग अपनी पहचान की बात करेंगे, उस पहचान में इस धम्मचक्र प्रवर्तनाय की एक विशेष भूमिका नजर आने लगेगी। तो मैं आप सभी लोगों को अनुरोध के साथ कह रहा हूं कि आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तनाय की अवसर पर एक सप्ताह पूर्व कम से कम किसी एक गांव को चुन करके ब्रह्म संपत्ति की भूमिका में आना है। एक दिन हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि इस संपत्ति की घोषणा को कैसे पढ़ना है, फिर कैसे समझाना, उसकी व्याख्या कैसे करनी है, ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि धम्मचक्र प्रवर्तनाय हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग है, महाकालिक बुद्ध का उपदेश हमारे कल्याण के लिए है, ये बात समझ में आने लगेगी। तो फिर लोग अज्ञानता अंधविश्वास से बचने लगेंगे। अभी जो भगदड़ हुई है अंधविश्वास के कारण, जो इतना दुष्प्रचार लोगों में होने लग जाता है, गरीब शरीफ आदमी उनका शिकार हो जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तनाय जैसी महत्वपूर्ण परंपराएं जब लोगों के बीच में जाने लगेंगी, बुद्ध की देशनाएं लोगों तक जाने लगेंगी, तो उन्हें भी अपने कल्याण के लिए किसी चमत्कार का सहारा न लेकर के जो व्यवहारिक स्वरूप में धर्म का प्रभाव है उसको स्वीकार करने में मदद मिलेगी। और इस प्रकार हम लोगों को बड़े हादसों से बचा सकते हैं, लोगों के जीवन में जो अंधविश्वास या जो अंधविश्वास की भावना है या फिर वो ऐसा है अपने आप को समझते हैं, उससे बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ब्रह्म संपत्ति की भूमिका में आकर के इस आंदोलन को गति देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप चाहें तो गूगल मीट पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, कहां से आप रहने वाले हैं, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है, या आप हमें अवश्य लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें, जो भी सामग्री आप तक पहुंचानी है उसके लिए प्रशिक्षण दे सकें। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो। भावत्व सम्मान। भावत्व सम्मान।